यहां पर कोई लोग बैठ के ये बात कहते हैं कि ये साहब ठाकुरों का बजट था, खुद के घर को खुद के महलों को गिरवी रख के अगर कोई आदमी लेके आया उनके इस पवित्र सदन में उनके लिए इससे बात करी जाती है तो इससे निंदनीय कुछ नहीं हो सकता। प्लीज माननीय सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मांग संख्या 42 और 45 पर बोलने का अवसर दिया। सर्वप्रथम मैं सिंचाई के जनसंसाधन के अंतर्गत भरतपुरा पूर्वी राजस्थान की बात करना चाहूंगा। आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा कि बहुत वर्षों पहले 1994 में एक भरतपुर डीग और इस एरिया के लिए जो है यमुना जल समझौता 1994 में हुआ और लगभग आज 30-31 वर्ष हो गए। इसके बावजूद भी जो समझौता तय हुआ था उसमें लगभग ये था कि 1200 क्यूसिक पानी जो है भरतपुर डीग इस एरिया को मिलेगा। अभी तक जो पानी मिल रहा है वो केवल 200 डीग को मिल रहा है और 500 भी तय है लेकिन पूरा नहीं मिल पा रहा। मेरी गुजारिश है आपके माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा, क्योंकि पूर्वी राजस्थान को बिलोंग करते हैं, भरतपुर जिले के नागरिक हैं, बाशिंदे हैं। जिस तरह से अभी मैंने चर्चा अखबारों के माध्यम से सुनी थी यमुना जल समझौता हुआ है जो सीकर झुंझुनू चूरू और उसके लिए पानी लाने की बात कही है और वो भी समझौता जो हुआ है उसको भी अध्ययन करने की जरूरत है। जो हरियाणा ने कहा है कि 24 अतिरिक्त पानी होगा तो हम पानी देंगे अन्यथा पानी नहीं मिलेगा, और नहर भी बनाएंगे तो उसमें 4 मान लो जो है बनाएंगे तो 3 का हिस्सा 1 खुद बनाएंगे 3 राजस्थान को देंगे। तो मेरा ये मानना है कि जो पुराना समझौता है 1994 का समझौता है उसको अमल में लाया जाए और भरतपुर जो सबसे ज्यादा सिंचाई की समस्या है भरतपुर की, भरतपुर धौलपुर ये पूरा करौली के साथी भी हमारे कह रहे थे, उस पर मैं बाद में आऊंगा कि यमुना जल समझौते के तहत जो पानी तय हुआ है उसको दिलवाया जाए और माननीय मुख्यमंत्री से भी अनुरोध करूंगा इस पर एक चर्चा करके और इसको क्रियान्वित किया जाए। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि ईआरसीपी की बात हो रही है और ईआरसीपी के तहत बहुत सारी बातें आई हैं, मैं उसका स्वागत भी करता हूं अगर वो उस तरह से इंप्लीमेंट हो जाए, और जैसा कि बात की गई राष्ट्रीय परियोजना वो घोषित हो जाएगी तो वो अभी मालूम पड़ जाएगा, कल बजट आ रहा है शायद वो हो जाए, लेकिन उसमें भरतपुर के बांधों को सिंचाई के लिए एक भी बांध को नहीं जोड़ा गया है। भरतपुर के लिए पानी की पीने की व्यवस्था तो की है लेकिन सिंचाई के लिए नहीं किया। तो मेरा आपसे मांगना है कि मोती झील बंद बैराट अजान ये जो बांध है चिकसाना बांध इनमें भी ईआरसीपी में इसको शामिल किया जाए। तीसरा पांचवा बांध से पानी भी भरतपुर को मिलना, गंभीर नदी में पानी आएगा तब जाके आएगा। और इसी के तहत मैं वन पर्यावरण पर भी 2 मिनट बोलना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, उनसे कहना चाहूंगा केवला देव बर्ड हेरिटेज है, नेशनल पार्क बर्ड सेंचुरी, और उसमें पानी की आए दिन किल्लत आती है और पीने का पानी बंद करके चंबल का और फिर पानी की सप्लाई जो है घने में देनी पड़ती है जिससे लाखों टूरिस्ट भरतपुर में आते हैं। पूरा राजस्थान का नाम घनावट सेंचुरी से पूरे विश्व में माना जाता है और उसमें पानी के लिए तरस रहा है, जो माइग्रेटेड बर्ड है वो नहीं आ पाती है। तो 751 करोड़ की पेयजल योजना जो स्वीकृत की गई थी जेजेएम में, उसमें एक अलग पाइपलाइन बिछाई जानी थी, उस पर कार्रवाई करवाने का जो है काम करें जिससे कि घने को पानी मिल सके। दूसरा कहना चाहूंगा मैं जूलॉजिकल पार्क दिया है बजट में, माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूंगा, मंत्री जी आपको भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि जूलॉजिकल पार्क जो बनाया जाएगा लेकिन उस जूलॉजिकल पार्क का जो सर्वे करके जो भूमि आइडेंटिफाई की जा रही है आप व्यक्तिगत संज्ञान लेकर के खुद विजिट कर लें वो कहां बनना चाहिए, लेकिन कुछ लोकल प्रशासन उसको गलत तरीके से उसको देख रहा है। और तीसरा मैं कहना चाहूंगा कि घना अभ्यारण जो संरक्षण है उसके तहत आज भी बहुत सारा अतिक्रमण हो गया है आसपास के एरिया में और उसकी वजह से माइग्रेट बर्ड्स नहीं आ पाती हैं, और क्योंकि अब वो माइग्रेट हो जाती है अगर उनको क्लाइमेटिक परिस्थितियां वैसी नहीं मिलेंगी तो बर्ड्स आप जानते हो बड़ा सेंसिटिव होता है, चिड़िया हमारी फेमस बर्ड की साइबेरिया से क्रेन आती हैं, आप जानते हैं कितने लाखों फॉरेन टूरिस्ट वहां आते हैं, तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि घना बर्ड सेंचुरी को संरक्षित किया जाए। भरतपुर को सिंचाई के लिए पानी की बहुत जरूरत है, लाखों मतलब हजारों हेक्टर पानी सूखा जो हमारा हेक्टर भूमि बेकार हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी भरतपुर के हैं, चुरू और सीकर झुंझुनू की तो बात करिए खूब, मैं भी उसका समर्थन करता हूं, लेकिन भरतपुर जो 1994 में से अन्याय सह रहा है वो 1200 क्यूसिक